हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टीचर्स के लिए जो बीपीएससी का सिलेबस है वो क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आप जानते हो अलग अलग स्तर है और एक एक चीज़ हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। हिंदी वाले काइंडली परेशान ना हो क्योंकि सब कुछ हम आपको यहाँ हिंदी में बताने वाले हैं। मैक्सिमम लोग हिंदी वाले हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने पूरा सिलेबस आपको यहाँ हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बताया है। तो एक एक करके हम देखेंगे सारा सिलेबस। आप जानते हो ये आपका बीपीएससी ने जारी किया हुआ जो पीडीएफ है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। वैसे आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे भी हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसमें देखते हैं एक एक करके। जैसे पहला जो है वो है भाषा के लिए, और ये किसके लिए है? तो ये है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापक के लिए, यानी कि प्राइमरी से लेकर मिडिल तक। तो इसके लिए क्वेश्चन की संख्या कितनी है? तो 100 क्वेश्चन है टोटल, और इसमें दो पार्ट होगा। पार्ट वन में 25 क्वेश्चन होंगे और पार्ट टू में 75 होगा। मतलब ये पैटर्न समझ लो सिंपल, 25 एंड 75। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स होगा। नेगेटिव भी है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक मार्क्स कट भी जाएगा। सिंपल सा इसका लॉजिक है। तो इसमें आप देख रहे हो पार्ट वन में अंग्रेजी है जो कि सबके लिए अनिवार्य है। मतलब जो 25 क्वेश्चन है वो आपका इंग्लिश का होगा, तो वो सबके लिए कंपलसरी है। जो सेकंड पार्ट है वो आप देख रहे हो, तो इसमें भी भाषा ही है, कोई भी एक भाषा हो सकता है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, तीनों में से कोई एक आप ले सकते हो। आप हिंदी लो, उर्दू लो, या कोई भी चीज़। और इसके लिए कम से कम 30% मार्क्स आपका अनिवार्य है। इसमें पूरा नहीं लाना है लेकिन कम से कम 30% आपको लाना ही पड़ेगा अगर आप पास करना चाहते हो। इसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है, इसका सेकेंड ग्रुप देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन है यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, यानी कि जो लोग भी प्राइमरी स्कूल के लिए जो लोग इसको कर रहे हैं उनको अगर देखो तो टोटल 150 क्वेश्चन करने हैं। सेम पैटर्न इसमें भी, और 2 घंटे आपका पेपर होगा, लेकिन 150 क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसमें सिंपल मैथ्स है, मानसिक क्षमता परीक्षण है, सामान्य जागरूकता है यानी कि जनरल अवेयरनेस है, और आपका सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, जिसकी क्लासेस हम आपका रेगुलर लेकर आएंगे एक परफेक्ट टाइम पे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। सामान्य विज्ञान की ऑलरेडी बहुत सारी हमने वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। वैसे हम हिंदी में सारी क्लासेस लेकर आने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। भूगोल और पर्यावरण शामिल है, यानी कि ज्योग्राफी भी, तो सारा चीज़ हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। सामान्य अध्ययन के पत्र सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, तो ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। तो इसमें है, ये सिर्फ माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है। तो ये थर्ड ग्रुप है, इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे लेकिन इसका पैटर्न अलग है। इसमें दो पार्ट होंगे, एक 100 क्वेश्चन और दूसरा क्या होगा 50 क्वेश्चन। सेम चीज़, इसमें भी 2 घंटे का पेपर है, एक आपका मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का है। अब इसमें क्या है, तो पार्ट वन जो है ये एक विषय पत्र है। विषय पत्र कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट वाइज आप किस सब्जेक्ट के लिए टीचर बनना चाहते हैं या कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं। तो उसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आप हिंदी ले सकते हैं, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ्स और SST। इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो होगा पार्ट टू, इसमें माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी कि सिंपल समझ लो पार्ट टू जो है उसमें सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो सेकेंड वाले में था। माध्यमिक विद्यालय यानी कि सिंपल जनरल अवेयरनेस, साइंस, ज्योग्राफी और जो भी जनरल करंट अफेयर्स वगैरह, ये सारा पार्ट आपका इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है फोर्थ, यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचर के लिए। इसमें भी 150 क्वेश्चन है, सेम पैटर्न इसमें भी है। क्या है, तो 100 क्वेश्चन एंड 50 क्वेश्चन। 100 जो पार्ट वन है वो एक विषय पत्र है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट चूज करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। इसमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है इसमें भी 50 क्वेश्चन उसके आएंगे, और ये भी आपका क्या होगा, तो ये सामान्य प्रश्न है जिसका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये था टोटल
चार ग्रुप जिसके अलग अलग सिलेबस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसके ऊपर एग्जाम दे सकते हो और इसके सारी चीजें हम आपको एक एक करके पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, तो निगेटिव मार्किंग भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और 150 मार्क्स का और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अलग अलग पैटर्न ऑलरेडी मैंने सारा कुछ बता दिया। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।